अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अदब नाजिम और मेरे चैनल पे मिलती हैं आप लोगों को बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर देती हूं आप लोगों को बहुत सारी प्रोडक्ट के रिव्यू। तो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि आप अंडरटोन को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसे पता चल सकता है कि आपकी अंडरटोन क्या है। डिटेल मैंने कल भी दी है थोड़ी सी आपको, आप लोगों को पता चल गया होगा कि अंडरटोन क्या चीज होती है। तो समझा दिया मैंने कि वो स्किन, अपर स्किन और अंडरटोन जो है वो अंडर होती है, बीनीथ द स्किन होती है। ठीक है ना, तो अब जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बारिश हो रही है, तो अगर कोई थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है आवाज में तो वो बारिश का शोर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी अंडरटोन के हिसाब से आपने ड्रेस कौन सा पहनना है, कलर कौन सा पहनना है, आई शेड कौन से लगाने हैं, इसके अलावा बेस कौन सी आपने लगानी होती है, इसके अलावा जी लिपस्टिक आपको कौन सी सूट करती है, ज्वेलरी आपको कौन सी सूट करती है, तो पूरी वीडियो आपने देखनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को डिफरेंस भी बताऊंगी। बारिश और तेज हो गई है लाहौर में, फिर बहुत बारिश हो रही है, मैं फजर के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बोर्ड पे ये भी बताऊंगी कि फर्क मैं सारा लिख के बताऊंगी। ठीक है, कि कूल टोन में कौन सा फर्क, क्या चीजें होती हैं, और वार्म टोन में कौन सी चीजें होती हैं। ठीक हो गया, तो ये सब चीजें करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अच्छा जी, कल वाला जो टॉपिक था जिसमें मैंने आप लोगों को फाउंडेशन के बारे में बताया था, तो ये जो फाउंडेशन है मेरे पास, एक है जी पिंक, आप लोगों को नजर आ रही होगी, और एक है जी येलो टोन में। ठीक है ना, जिसका अंडरटोन जो है वो येलोइश सी है और इसकी पिंक है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं वार्म अंडरटोन की हूँ तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि इन दोनों में से मुझ पे कौन सा सूट है। जी, तो मैंने दोनों लाइंस जो हैं वो लगा ली हैं फाउंडेशन की। ठीक है, ये जो है पिंक है, आप लोगों को नजर भी आ रही होगी, ये जो है ये येलो है। ठीक है ना, अभी आप ये देखें कि ये जो येलो वाली है ना, ये एग्जैक्ट मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन है। और ये जो पिंक वाली है ना, ये मैंने इसलिए रखी हुई है कि कभी कभी कोई पिंक टिंट ऐड करने का मेरा दिल करे अपने फाउंडेशन में, तो मैं ऐड कर लेती हूँ। अदरवाइज अगर मैं पूरी बेस इसके साथ बनाऊंगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। और अगर मैं इसको हल्का हल्का सा स्किन में मर्ज करती हूँ तो ये देखे ये ब्लेंड होगी, तो ये मेरी स्किन टोन के साथ मैच हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं होगी क्योंकि ये पिंक टोन की है और ये प्रोमिनेंट ही रहेगी। अब मैंने जो मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है वो है जी ये लॉरियल की, और इसका नाम, इसका नंबर जो है वो 24 गोल्डन बेज है। ठीक है, ये आप लोगों ने जरूर पूछना था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये जो पिंक वाली है ये है जी कराजा की, और इसका नंबर है जी 1। ठीक है ना, D4621। ठीक है ना, 1 सेपरेट लिखा हुआ है, D462। ये जो है ना मैंने दुबई से परचेज की थी, ये बहुत अच्छी बेस है। कराजा की प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं लिपस्टिक की। अच्छा जी, तो अब मैं इसको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लूं, फेस जो है वो मेरा खराब लग रहा होगा। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को लेके चलूंगी बोर्ड पे, बोर्ड पे आप लोगों को मैं समझाऊंगी। अच्छा, मैंने लिपस्टिक की सिलेक्शन भी आप लोगों को बतानी है अभी आगे फर्दर, और इसके अलावा जी मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बतानी है कि कौन कौन सा डिफरेंस आप लोगों को समझ आए। कहीं एक नहीं समझ आ रहा होता किसी को तो दूसरा क्लिक कर सकता है। ठीक है ना, और इसके अलावा ड्रेसेस और आई शेड और ये सारा कुछ आप लोगों को आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि वार्म अंडरटोन वालों ने कौन सा लगाना है और कूल अंडरटोन वालों ने कौन सा लगाना है। तो A to Z आप लोगों को बताऊंगी अंडरटोन की, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, फाइंड योर अंडरटोन, वार्म और कूल। अब सीधी सीधी बात करेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करेंगे, कि ग्रीन वेन्स अगर आपके हों, जैसे मैंने कल बताया था कि ये देखें ग्रीन वेन्स अगर आपके यहाँ पे होंगी, तो मैं पिक्चर भी लगा देती हूँ, तो आपकी वार्म अंडरटोन है। ब्लू और पर्पल वेन होंगी तो आपकी कूल अंडरटोन है। अच्छा जी, गोल्ड ज्वेलरी वार्म अंडरटोन वालों को सूट करती है। ठीक है, उनका जो कलर टोन है या उनकी अंडरटोन है, सॉरी स्किन टोन जो है वो ग्लो करती है गोल्ड ज्वेलरी पहन के। आप नोट भी कीजिएगा कि अगर आप सिल्वर ज्वेलरी पहनेंगे तो आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी गोल्डन ज्वेलरी अच्छी लगती है, और कूल अंडरटोन वालों को सिल्वर अच्छी लगती है। कई दफा ऐसा भी होता है कि आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली गोल्ड ज्वेलरी जो है वो वार्म अंडरटोन को सूट करती है और सिल्वर ज्वेलरी कूल अंडरटोन को सूट करती है। एक और तरीका है आपकी अंडरटोन को पहचानने का, वो ये कि व्हाइट फैब्रिक रख के देखें आप अपनी स्किन पे। तो जब आप व्हाइट फैब्रिक रखेंगे अपनी स्किन पे, अगर येलो कलर रिफ्लेक्ट करता है तो फिर वो आपकी वार्म अंडरटोन है, और अगर ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करता है तो आपकी कूल अंडरटोन है। इसके अलावा एक और पहचान है वार्म अंडरटोन की और कूल की,
कि अगर वार्म अंडरटोन वाले डायरेक्ट सन में रहते हैं कुछ देर तो उनको सन टैन होता है, यानी उनकी स्किन जो है वो ब्लैक हो जाती है, जबकि कूल अंडरटोन वालों की स्किन जो है वो बर्न होती है और बर्न होके पैचेस पड़ जाते हैं। वार्म अंडरटोन वालों की आईज की अगर बात की जाए तो उनकी आईज होती हैं जी ब्राउन, ग्रीन, हेजल आईज, ठीक है ना, तो ये कलर्स होते हैं, और कूल अंडरटोन की ब्लू और ग्रीन। अब जरूरी नहीं है कि ये ब्राउन एग्जैक्ट ब्राउन होगा, ग्रीन एग्जैक्ट ग्रीन होगा, उसमें ब्लैक आई में टिंट हो सकता है, ग्रीन टिंट हो सकता है, ब्राउन टिंट हो सकता है, हेजल टिंट हो सकता है, ठीक है ना। और इसी तरह कूल में भी ब्लू और ग्रीन भी होती हैं एग्जैक्ट, और अक्सर ऐसा भी होता है कि ब्लैकिश ब्लू होती हैं, ब्लैकिश ग्रीन होती हैं। और हेयर्स की बात की जाए तो ब्राउन, रेड, ब्लैक होते हैं वार्म अंडरटोन के, और कूल अंडरटोन के अक्सर ब्लॉन्ड में होते हैं, यानी गोल्डन से होते हैं, और ब्राउन और ब्लैक भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये रेड अगर बात की जाए तो रेड भी एग्जैक्ट रेड नहीं, उसमें ब्लैक मिक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से ये इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं आप लोग, जब आपने एग्जैक्ट पहचान लिया, यहां से वेन्स से आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि ये ग्रीन वेन्स है, फिर भी अगर डाउट है तो आप इन चीजों के साथ भी पहचान सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ, लिपस्टिक्स की बात की जाए, जिन लिपस्टिक में ब्लू कलर होगा लाइक ब्लू रेड, तो वो कूल टोन वालों को सूट करेगी। इसी तरह पिंक में रोजी पिंक जो होता है, रोज पिंक जो होता है, वो सूट करता है, और वार्म अंडरटोन वालों को ऑरेंज रेड सूट करता है। इसके अलावा ऑरेंज ही शेड में बाकी जो लिपस्टिक लाइट पीच, लाइट ऑरेंज, ऑरेंज रेड, ये सब सूट करती हैं, ठीक है। बेस की बात की जाए तो बेस में येलो और पीच बेस जो है वो वार्म अंडरटोन वालों को सूट करती है, और पिंक बेस जो है वो कूल अंडरटोन वालों को सूट करती है। लोगों को कल डिटेल में बता चुकी हुई हूँ। अब अगर लिपस्टिक की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने दो स्वाचेस लगाए हुए हैं, एक है जी ब्लू रेड और एक है ऑरेंज रेड। अब आप खुद देखें कि ये रेड जो है मुझे सूट नहीं करेगा, क्योंकि मेरी वार्म अंडरटोन है, ये रेड जो है बहुत ज्यादा, अक्सर आप लोग कहते हैं कि हम रेड लिपस्टिक लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि लिपस्टिक गिर रही है या लिपस्टिक बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी यही वजह होती है कि आपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं की होती है। अगर आप इस लिपस्टिक को लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये लिपस्टिक के शेड्स भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए, वार्म वालों ने ये सिलेक्ट करना है और कूल वालों ने ब्लूइश रेड जो है वो सिलेक्ट करना है। आपको ये साइड पे कलर व्हील दिखा रही हूँ, उसमें आप देखें कि जो शेड्स आपको कलर व्हील में कूल अंडरटोन के लिए नजर आ रहे हैं, वो शेड जो हैं ड्रेसेस में आप लोगों को सूट करेंगे, इवन आई मेकअप में भी आप लोगों को सूट करेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों को वार्म अंडरटोन के लिए नजर आ रहे हैं वो आई शेड्स भी आपको सूट करेंगे, और आप लोगों को ड्रेसेस भी वही कलर के सूट करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कम्प्लीमेंट्री कलर और न्यूट्रलाइजेशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। वीडियो इस तरह से बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग स्किप करते हैं और आप लोगों के जहन में फिर क्वेश्चंस आते हैं स्किप करने के बाद। तो ड्रेसेस मैंने आप लोगों को बता दिए, गोल्डन ड्रेसेस जो है वो वार्म अंडरटोन वालों को सूट करेंगे, और जो सिल्वर ड्रेसेस जो है वो कूल अंडरटोन वालों को। तो अब जो ब्लैक और ग्रे और व्हाइट जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो हर एक को ही सूट करते हैं, वो न्यूट्रल कलर हैं, ठीक है, वो हर एक को सूट करते हैं, वो कूल वालों को भी सूट करेंगे और वो वार्म वालों को भी सूट करेंगे। तो आज की क्लास यहां तक थी, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन बतानी है और आई शेड्स की सिलेक्शन बतानी है अंडरटोन के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा और बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहां से मत जाएं। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।